रिपीट करने लगा हूँ, हमारी ऐप बन चुकी है विमान वास्तु पाठशाला के नाम पर। अभी आपने क्या करना है, वहाँ पर ऐप को इंस्टॉल करें। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पर आई एम स्टूडेंट आएगा, आई एम स्टूडेंट को दबाएं। दबाने के बाद वंदना गर्ग जी, ये भी हो चुकी है। स्टूडेंट आने के बाद थैंक यू सर, हाँ जी, रजिस्टर बटन को दबाएं, अपना नेम भरें और उसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आप हमारे साथ परमानेंट जुड़ जाएंगे। हमारे पहले कोर्सेज आएंगे और उसके बाद आउटर आएगा, तो आपने आउटर पर क्लिक करना है। आउटर पर क्लिक करने के बाद हमारी ऐप खुल जाएगी और आप उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। आप थोड़े नेक्स्ट वीक में हम यहीं पर लाइव हुआ करेंगे इस ऐप में, तो हमारे कोर्सेज भी, जिसकी रिकॉर्डिंग भी है, आपको रिकॉर्डिंग परमानेंट, आपको जो मेरे साथ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ये रिकॉर्डिंग परमानेंट उनको यहीं पर मिला करेगी, चाहे वो 10 साल में हों, 20 साल में कोर्स कर गए हों, तो उनकी पिछली रिकॉर्डिंग भी हमें आपको यहीं पर मिलेगी। आगे जो कोर्सेज भी करेंगे उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको यहीं पर ही मिलेगी। क्लियर है जी, सभी ने ऐप इंस्टॉल कर ली है तो प्लीज बताएं और अपना अपना कैमरा ऑन करें ताकि आगे वाली क्लास को हम स्टार्ट कर सकें। इंस्टॉल्ड सर। चंद्र रेखा सेठी जी, आप भी ऐड हो चुके हो। आप प्लीज जितनी ऐप रिजल्ट करोगे आगे भी आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। तो एक और इंस्ट्रक्शन है, हमारा रक्षाबंधन के ऊपर एक हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम सारा फुल कोर्स लेकर आए हैं। जितने भी कोर्सेज हैं, नवतारा टेक्निक को लेकर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को लेकर, केपी एस्ट्रोलॉजी को लेकर, अष्टवर्ग को लेकर, फुल फॉर्मेशन होगी अष्टवर्ग की। ये सब कुछ आपको पहले मैनुअल सिखाया जाएगा, उसके बाद सॉफ्टवेयर पर काम करवाया जाएगा, ठीक है। फिर भिनाष्टक वर्ग पर काम सिखाया जाएगा, टैटू एक्टिवेशन पर, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, चाइल्ड बर्थ, ये सारे कोर्सेज होंगे इसके बीच। तो हमने 32,000 रुपये का कोर्स रखा है, तो 3 महीने का कोर्स होगा। क्लियर है सभी को? अगर किसी को करना हो, चाहे जितने मर्जी पार्ट पर आप पेमेंट दे सकते हो, पेमेंट का कोई इशू नहीं है। अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। तो अभी हम क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। इसमें सारे कोर्सेज, टैटू एक्टिवेशन से लेकर, नग से लेकर, वो सारी बातें आपको बतलाई जाएंगी, चाहे जितना मर्जी बड़ा हो। सारे कोर्सेज इसके हमने वन में कर दिए, सिर्फ 32,000 रुपये में। यही कोर्सेज हमारे लगभग 1.25 लाख, 1,33,000 रुपये के करीब थे। चलो अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी काफ़ी स्टूडेंट हमारे साथ ऐड हो चुके हैं। सांवरिया सरकार जी, थैंक यू सर, आपका नंबर नहीं मिल रहा था, 3 दिन से जुड़ रहा था। चलो अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक था 12 भावों में जाने, इस भाव से संबंधित बातों को आप सीक्रेट रखोगे। भी सभी लोग अपने अपने एस्ट्रो सेज पर जाएं, अपना अपने अपनी कुंडली को बनाएं, एस्ट्रो सेज पर जाएं और अपनी कुंडली को निकालें। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? प्लीज़, मेरी आवाज़ नहीं आ रही आप तक? आ रही है सर जी, दिखाई दे रही है सर जी। सर आ रही है, आ रही है सर। ओके, अभी हम बात करेंगे। सभी लोग अपनी अपनी कुंडली बनाएं।
ओमवीर सिंह जी आप म्यूट कर लोगे थोड़ा सा? जी सर, जी जी रिकॉर्डिंग सुनने में आपको मजा आएगा। उसके बाद अभी देखो किस भाव से संबंधित हमें हमें बातें सीक्रेट रखनी चाहिए। केतु से, केतु हमारा सीक्रेट है। अगर मान के चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व, यार आज तो मैंने पूछा ही नहीं, पिछली क्लासेस में कुछ नहीं समझ आया हो तो ये तो मैं चैप्टर ही छोड़ दिया। ये सबसे पहले मेरा क्वेश्चन होता है, आज थोड़ा सा ऐप में उलझ कर रह गए। अगर पिछली क्लासेस में कुछ नहीं समझ आया हो ज्योतिष को लेकर वास्तु को लेकर आप सर कुछ ना कुछ किसी को हैंड रेज करना तो प्लीज बोलिए। जो पीछे कुछ नहीं समझ आया और ज्योतिष को लेकर वास्तु को लेकर किसी बात को कुछ समझ नहीं आओ सीखा आपने चाहे कहीं से भी जी बोलिए। एक क्वेश्चन था पर कि अगर जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है उसका उसके पिता का नक्षत्र एक ही हो तो क्या गलत है? एक मतलब कि बच्चे का जन्म हुआ और पिता का नक्षत्र और बेटी का नक्षत्र सेम है तो सर कोई वो होता है दिक्कत होती है? ऐसे थोड़ी ना होता है मैडम, वो अपना कर्म लेकर पैदा हुआ, अपना कर्म लेकर पैदा हुआ। सर ऐसा पढ़ा था पहले कि कुछ नक्षत्र शांति करानी पड़ती है, कोई एक प्रभारी पड़ता है। मैंने एक कुंडली देखी थी उसके सभी घर के जो मेंबर है ना चारों के चारों एक नक्षत्र में थे। मैडम उसका चरण भी तो काउंट करो ना, उनके प्लैनेट भी तो काउंट करो ना। कुछ पूछ रहे थे मैडम। हाँ जी अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, मैंने म्यूट कर दिया। हेलो मॉर्निंग सर। सर एक ना नक्षत्र वाली क्लास थी एस्ट्रोलॉजी की, उसमें सर जो रिकॉर्डिंग थी ना वो 10 मिनट की ही है। तो हमारा अपना है क्वेश्चन कि रेवती नक्षत्र में है तो सर कोई एडवाइस दे दीजिए। मैडम अपने को पेड़ सर्विस है ना मैडम, ऐसे सर्विस okay. कर देंगे, पूरे स्थाई नक्षत्र कर देंगे। ठीक है आप जब पूछ रहे हो तो पूछ लेना। ठीक ठीक अगर आपने कोई अपना डाउट क्लियर करना है उसको आप करेंगे, पर ये तो आप सारा सर्विस ले रहे हो। नहीं इससे रिलेटेड सर, नक्षत्र से रिलेटेड है, उसमें डिटेलिंग चली जाएगी प्रिसाइजली। और मैम आपको मिल जाएगा, आप आपको चाहिए क्या? उनका जो जो स्थाई नक्षत्र वाले हैं वो होते कैसे हैं, उनका बर्ड कैसे होता है, उनका एनिमल क्या है, उनकी वनस्पति क्या है, वो कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, ये सारी चीजें अलग अलग है। और वो आपका दिन कैसे निकलेगा, वो कैसा, वो सारा प्लान है मैम, वो पूरा एक सॉफ्टवेयर सर, वो सारा वो कोर्स में डिटेलिंग में होता है सर। मैम सारा कुछ होगा, क्यों नहीं होगा, पीडीएफ फाइल मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा। ठीक है सर, तो ओके, कम दामों पर करवाया था मैंने अभी। ठीक है सर, ओके ओके। और किसी को कोई डाउट क्लियर करना हो चाहे ज्योतिष वास्तु कहीं से भी सीखा हो, किसी को कुछ ना समझ आ रही हो तो पूछ सकते हो। चलो हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, म्यूट कर लो अपने आप। ठीक है अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी देखो अपनी कुंडली में केतु कहां पर हो सकता है आपका, किसी का फर्स्ट हाउस में केतु हो सकता है, किसी का सेकंड हाउस में केतु हो सकता है, किसी का थर्ड में, सर
आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही सर, राइटिंग स्क्रीन जो आपका पैड है। सर आप पिन बटन दबाओ, सर पिन बटन दबाओ। ओके आप पिन दबाओगे क्लियर हो जाएगा। अब ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? अभी स्क्रीन दिखाई नहीं सर, नहीं सर स्क्रीन तो अभी भी नहीं आ रही है। यस सर दिखाई दे रही है, सभी को दिखाई दे रही है, मुझे भी नहीं दिखाई दे रही सर। दिखाई दे रही है सर, वास्तु में सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये लोगो आ रहा है बस आपका सर, जो राइटिंग स्क्रीन है वो तो नहीं दिख रहा सर। अभी देखो, अभी पिन दबाओ ना सर, आपने देखो ये वहां पर दिखाई दे रहा होगा। सर मैंने पिन दबा दिया है, स्क्रीन बड़ी हो गई आपकी। सर वो नहीं, वो देखो, अब देखो, अब देखो आ रहा है। नो सर, नो सर, सर लोगो ही आ रहा है, लोगो ही आ रहा है। अभी सर स्क्रीन शेयर हुई नहीं है आपके। सर अभी ये कौन सामान था कुमार जी, क्या करने लग पड़े हैं? मुझे लगता है आपको क्लास लगाने का मूड नहीं है। ये देखो और कौन बैठे हैं, देखो एक तो मेरे पास डायरेक्टर बहुत बड़े भी बैठे हैं। सर अभी भी आपका लोगो ही आ रहा है सर, वहाँ अब देखो आ रही है। सर लोगो ही आ रहा है आपका, नहीं आ रही है सर, आ रही है, पिन दबाओ सभी। जब अपने लोगों से बातें करते हैं तो मेरा मतलब सिर्फ सिखाने का है, ठीक है ना? आप सीखो, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और आपका जो फिफ्थ हाउस में जो केतु आएगा ना, आप अपनी बातें किसी को मत बुलाओ, अपनी बातें सीक्रेट रखो जितनी भी रखी जा सकती है, ठीक है? चलो अभी हम बात करते हैं, देखो लोग अभी आ रहे हैं। अभी देखो किसी का केतु सेकंड हाउस में हो, किसी का केतु सेकंड हाउस में हो तो उसकी दृष्टि कहां पर जाएगी? एक दो सिक्स हाउस में है किसी का केतु सेकंड हाउस में? सर मेरे बेटे का है। चलो अभी बेटा कितनी उम्र का है? मैम 33 का है, जॉब करता है। चलो प्रणाम सर। चलो प्रणाम। और आपको एक बात बताता हूँ, यह आदमी बहुत लोन लेता है, छोटे मोटे लोन ऑफिसर ही है बैंक में। चलो चलो फिर तो बढ़िया है। तो ये आदमी ना बहुत लोन लेता है, छोटा मोटा लोन अपनी लाइफ में लेता ही रहेगा। और आपको एक बात बताता हूँ, उसका लोन उतर भी जाएगा और उसका लोन उतरता भी रहेगा। और आपको इसकी सीक्रेट बता रहा हूँ, आप सुन लेना। जी सर। ये अपने लोन ना अपने सीक्रेट ही रखे तो बढ़िया है, किसी को मत बताए कि ये इसने वहाँ से लोन लिया है, इसने वहाँ से लोन लिया है, इसने वहाँ से लोन लिया है। तो अगर ये बताएगा ना तो इसका लोन उतर नहीं पाएगा। जब भी वहाँ से भी लोन लेना है ना, इसको सीक्रेट ही रखना पड़ेगा कि लोन, चाहे 50 बैंकों से लोन लिया हो तो इसको सीक्रेट ही रखना पड़ेगा। जी ओके सर। और दुश्मन इसका कुछ नहीं कर सकता। ये बात सर पक्की है। दुश्मन इसका कुछ नहीं कर सकता। और इसका एक्सीडेंट ना होते होते लाइफ में बच जाता है, बहुत बार बचा होगा एक्सीडेंट होते हुए। हाँ एकदम एकदम सर, एकदम पक्का। जी? जो आप बताएं वो किसी ने नहीं बताया, एकदम पक्की बात है सर, सही है। ये सीक्रेट है। बीमारी भी इनको कम होती है, अगर बीमारी भी होती है ना वो नाम मात्र के बराबर ही होती है, ठीक है जी। और इसको ना अगर कोर्ट केस पुलिस स्टेशन के ये मसले बहुत जल्दी हल कर लेता होगा। जी सर, इनका डाइवोर्स हुआ तो लोग सोचते रह गए इसका इतना जल्दी डाइवोर्स कैसे हो गया, विद इन वन ईयर सब कुछ सॉल्व हो गया। हाँ यही बात है ना। तो ये अपनी बिजनेस और अपनी नौकरी जो भी काम कर रहे हैं ना उनको सीक्रेट ही रखें। अगर इसने किसी को बतलाया कि मेरी जॉब में सैलरी इतनी आती है, मेरे बिजनेस में इतना पैसा बनता है, तो इसका ये सारा काम बंटा धारा हो जाएगा, कुछ भी चीज काम नहीं करेगी, ठीक है जी। ओके सर, ओके सर।
चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। और किसी का नहीं था केतु सेकंड हाउस में? चलो अब केतु किसी का थर्ड हाउस में हो, है कोई किसी का केतु थर्ड हाउस में हो? सर मेरा ही है थर्ड हाउस में, धनु राशि में। अभी गिन लो सर, मेरा भी है। अभी देखो उसकी दृष्टि पड़ेगी सप्तम सप्तम भाव पर, उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। यह लोग ना अपने लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा लाभ कमाते हैं, और जो अपने बिजनेस की बातें हैं अपने लाइफ पार्टनर को मत बताएं भी, उसको पैसा कहां से आ रहा है कहां से पैसा नहीं आ रहा, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, ये उसके लिए सीक्रेट है। और हाँ जी सर दोनों का ही थर्ड हाउस में हो तो बता रहा हूँ मैम, अभी बता रहा हूँ सुन लो मैम पहले। यह लोग अपनी जितनी बातें अपने लाइफ पार्टनर से बिजनेस पार्टनर से छिपा कर रखेंगे ना तो बढ़िया है, और अपने घर की बातें अपने बिजनेस पार्टनर को मत बताएं, और अपने घर की बातें अपने बिजनेस पार्टनर को मत बताएं, नहीं तो वो आपको ब्लैकमेल करेगा। अगर किसी की पार्टनरशिप हुई ना तो वो आपको ब्लैकमेल करेगा ही करेगा, क्लियर है? अगर वो सर, हाँ जी सर मैं तो हाउस वाइफ। क्या मैम? सर मैं तो मतलब हाउस वाइफ हूँ। बता रहा हूँ मैम, अभी सुन लो, अभी पहले सुन लिया। और अगर वो जाने अनजाने में मियाँ बीवी अपनी बातें एक दूसरे को बता दे, जैसे कि मेरी पहले सहेली थी वो जो कभी ये बता दे कि वो मेरा बॉयफ्रेंड था वो ये हो गया, वो सारी उम्र बातें ना जब वो आदमी लड़ेगा उसको एक ना एक दिन वो बातें सुनाई देगा, ठीक है ना? पर आपको कहता हूँ लड़ो मत, आप उस बातों पर मिट्टी डालें। अगर आप किसी के ऊपर कोर्ट केस भी करते हो ना तो किसी को बतलाओ मत। अगर आप किसी के ऊपर कोर्ट केस भी करते हो ना तो किसी को मत बतलाओ। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जब आप उसे बता देते हो ना कि मैं कोर्ट केस आपके ऊपर करने लगा हूँ, तो वो जाकर झट से पहले वो कोर्ट केस आपके ऊपर कुछ गलत तरीके से कर देगा। तो कोशिश करो कि सेवंथ हाउस की चीज़ें आप उसे सीक्रेट ही रखो। हाँ जी, अब बोलिए किसका क्या प्रश्न, किसका क्या क्वेश्चन था, बोलिए। किसी का क्वेश्चन था? हाँ जी किरण मैम बोलिए, अभी क्या पूछ रहे थे? हाँ जी सर बिल्कुल सही बताया आपने, मेरा भी है थर्ड हाउस में और मेरे हस्बैंड का भी है। क्या सही, क्या सही क्या बताया, ये बताइए। यही भी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए, जब लड़ाई होती सब सुनाते हैं, यही बातें सुना देते हैं। बिल्कुल एक दूसरे को यही बातें सुनाते हैं कि तेरे इतनी सहेलियां थी, ये था। तभी तो मैं कह रहा हूँ इस बातों को सीक्रेट रखोगे तो बढ़िया रहेगा, लाइफ आपकी सेट हो जाएगी, क्लियर है? चलो अभी हम बात करते हैं, स्क्रीन यार गायब हो रही है थोड़ी देर के लिए। चलो हम अभी बातें करते हैं, अभी किसी का केतु फोर्थ हाउस में हो, किसका केतु है फोर्थ हाउस में? शिवम करण आपका है, वेरी गुड। तो इसकी दृष्टि जाएगी सर, मेरा भी है सर, मेरा भी है फोर्थ हाउस में केतु। पहले सुनो ना उनका प्रेडिक्शन फिर बताना। चलो कोई बात नहीं, एसडी सर जी ये हमारा परिवार है जिसके साथ हम चल रहे हैं, ठीक है ना? आप कोई बात नहीं चलने दो। अभी किसी का केतु फोर्थ हाउस में हो तो एट्थ हाउस पर दृष्टि जाएगी, उनकी दृष्टि
एट्थ हाउस पे जाएगी तो क्या होगा? अपने घर वालों को ये मत बताओ कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आता होगा, कौन दे रहा है आपको पैसा। और यह लोग ना अपने ऑफिस का एड्रेस किसी को मत दो, आपको बता रहा हूँ, ये लोग अपने ऑफिस का एड्रेस या अपने घर का एड्रेस, ये खास लोगों के लिए हिदायत बता रहा हूँ, ये अपना घर का एड्रेस और अपने ऑफिस का एड्रेस किसी को मत दो। और आपने लाइफ में कितने पॉलिसी करा रखी हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी जितनी भी करा रही हैं, वो भी किसी को मत बतलाओ। अगर आप किसी को बतला दोगे ना आपने इंश्योरेंस पॉलिसी वो है ये है वो है, वो समझो आपको उसका मुआवजा नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, आप चेक कर लेना। और जो भी आपको अनसर्टे पैसा आ रहा है, अनसर्टे प्रॉपर्टी आ रही है, वो आप किसी को मत बताओ, अपने सीक्रेट रखो। अगर आपके घर में पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। और आपको एक बात बताता हूँ, अभी बहुत सीक्रेटली बात है, जिस काम का आप धनी हो, मान के चलो जिस काम के आप धनी हो, जिस भी काम में आप एक्सपर्ट हो, वो भी आप किसी को काम मत बताओ, अपना गुण किसी को मत दो। अगर आप गुण दे दोगे उनको तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आपका गुण सीखकर वो आपके पेट के ऊपर ही लात मारेगा। तो हुआ है ऐसा किसी के साथ? हाँ जी रीटा मैम जी, अब बोलिए किसी का। आपने जो भी बताया एकदम 200% वो भी नहीं। और मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, मैं डॉक्टर नीना मोइत्रा, यूट्यूब में मेरा चैनल है, पता नहीं सर कहाँ से मिल गए मुझे नहीं मालूम अचानक। और मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ और सर ने 200 क्या 500% 1000% जैसे ही पता चल जाता है सारे घर वाले लूट लेते हैं। और जब तक फोन रहता है तो वो बचा, जैसे ही पता चला यहाँ है वो खत्म। मैं हूँ जयपुर की सर, और मैं मेरा मनी अब बताना नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं सभी के लिए मेरी उम्र अभी बहुत छोटी है, पर जिंदगी ने लाइफ में इतना, पंजाबी जी कहते मैं पंजाब में हाँ भी धक्के ने खाधे, लाइफ ने मैंने सब कुछ आप सिखाया, ठीक है ना। तो मैं ठीक है जी, और कोई? हाँ जी रीटा वर्मा जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका मेरे चैनल पर। हाँ जी रीटा वर्मा जी, सर आपने जो भी बताया मेरा 4000 में गिर पे 100 क्या हुआ क्या 1000% सही है। आप अपना गुण का बता दिया करो, ये आपका सीक्रेट है। आप सभी लोग अपना अपना सीक्रेट बचा के रखोगे ना तो आपको लाइफ में कभी भी कोई नहीं गिरा पाएगा, ये मेरा वादा है। चाहे आज मैं लोगों में आपकी फ्री सर्विस भी दे रहा हूँ, मैंने भी कोई सीक्रेट रखा होगा, ठीक है ना। तो मेरा केतु 5th हाउस में है, आपको अभी हमें क्लियर कराता हूँ, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं सर। हाँ जी मैम। सर हमारे साथ तो ऐसा हुआ कि हमें ना चाहते हुए भी सारी चीजें मतलब हमारी आउट ऑफ द बॉक्स ही हो गई, तो उसमें लॉस तो हुआ ही, लेकिन लॉस की वजह से सारी चीजें आउट ऑफ मतलब होगी, हम रख ही नहीं पाए अंदर, वो सबको ही पता लग गए। मैम वही बात हो गया ना, तो आपने आप अंदर खाते अपना कुछ दबाना था, ठीक है ना, अपने माइंड में सब कुछ रखना था, उसका कारण यही था, ठीक है। आपने खुद ही उजागर किया, एट्थ हाउस हमारे पास, मम्मी ने इतना दे दिया, पापा ने इतना दे दिया, हमें इंश्योरेंस वहां से मिलेगा, ये है वो है, ठीक है ना वो सर, ठीक। तभी तो बोलता हूँ केतु की अभी 7th दृष्टि के बारे में बताया तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, केतु की अगर मैंने 9th दृष्टि के बारे में बताया तो तभी आपके बेहोश हो जाओ। इतना कुछ है, एक प्लेनेट पर आप 10-10 दिन, एक प्लेनेट पर आप एक महीना काम कर सकते हो, एक राशि के ऊपर आप 10 दिन काम कर सकते हो, इतना डीप नॉलेज तक आप सीखो, ठीक है ना। बाकी वीडियोज मेरी ग्रुप में हैं, वो आप देखते रहोगे, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो संडे के संडे मैंने आपको बताया है कि अभी मेरी ऐप आ चुकी है विवान वास्तु पाठशाला के ऊपर, लिंक आपको मिल चुका है, तो आप उसे रजिस्टर करो,
उसमें मैंने बहुत कुछ बतलाया है, कुछ सीक्रेट चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता था, पर वो कुछ चीज़ें मैंने अपनी ऐप पर ही डिस्क्लोज़ करी हैं। वो नेक्स्ट वीक तक वो चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। ऐसा ज्ञान आपने कभी वहाँ पर देखा ही नहीं होगा, कभी सुना ही नहीं होगा, वो ऐसा ज्ञान मैंने बना कर रखा है। तो चलो हम अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जिसका फिफ्थ हाउस में केतु हो, जिनका फिफ्थ हाउस में केतु हो, बैठ में बाहर आना, मैं तो क्लास ना लूं। अगर केतु किसी का फिफ्थ हाउस में हो, पहले तो आप ना ऑफिस लॉक कर कर आया करो, आपने ऑफिस लॉक नहीं किया, आपको नहीं पता क्लास लग रही है मेरी। चलो, अगर केतु किसी का फिफ्थ हाउस में हो, इस आदमी को ना यार दोस्त बहुत धोखा, किसी का है फिफ्थ हाउस में केतु? सर मेरे दामाद का है। यस सर। सर मेरे हस्बैंड का, मेरी बेटी का। ओके, आपको बार बताता हूँ, इस आदमी को ना यार दोस्त बहुत धोखा देते हैं लाइफ में, क्लियर है? और अगर आप कभी भी किसी धार्मिक स्थान पर जाते हो ना, तो किसी को मत बतलाओ मैंने वहाँ पर कितने डोनेट किए, मैंने वहाँ पर क्या करता हूँ, मैं किस काली की पूजा करता हूँ, मैं किस माता की पूजा करता हूँ, ये अपने आप में सीक्रेट रखो। आपने कभी नहीं बताना कि आज में हम यहाँ पर चले हैं, आज हम यहाँ पर चले हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं। कभी भी किसी माता पर जाओ, कहीं पर भी जाओ, तो आप किसी को मत बतलाओ कि आप कौन सी माता के भक्त हो या किसी देवी देवता के भक्त हो, आप कभी किसी को मत बताओ। और इसको ना लाइफ में ना उसके घर वाले धोखा देते हैं, जो उनके फैमिली मेंबर होते हैं ना, बहन भाई रिश्तेदार बुआ, ये उनको, इनको लाइफ में उनसे धोखा मिलता है और यार दोस्त से धोखा मिलता है। सर yes, सही एकदम सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। ओके okay. और इनको ना अपने जन्म को फैमिली से ही धोखा मिला। हाँ जी, मिलेगा मिलेगा, ऐसा ही है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो जब भी ये आदमी अपनी जन्मभूमि से, मान के चलो अभी अपना ऑफिस 20 से 50 किलोमीटर आप दूर लेते हो, जब फौरन जाकर सेट हो जाते हो, इनको लोगों को तब तलक मत बतलाओ जब तलक आप पूरे सेट नहीं हो जाते। अपने यारों दोस्तों को मत बतलाओ कि जब तलक आप पूरे सेट नहीं हो जाते, क्लियर है? और इन लोगों को ऑपोजिट सेक्स से हमेशा दूर रहना चाहिए। इनको ऑपोजिट सेक्स के हमेशा दूर रहना चाहिए। और ये अपना सीक्रेट ना अपने यारों दोस्तों को बता देते हैं और लाइफ में फेल हो जाते हैं, वो काम कर कर अपना सेट हो जाते हैं और ये फेल हो जाते हैं अपनी लाइफ में। अब बताइए ऐसा होता है कुछ? हेलो, फैमिली वालों ने बहुत धोखा दिया, भाइयों ने। क्या मैम? मेरे दामाद को उसके भाई लोग ने बहुत धोखा दिया। ऐसे ही होता है, फैमिली भी धोखा देती है और इनको यार दोस्त भी बहुत धोखा देते हैं। क्लियर है सर? चीटिंग से हुआ, और आपकी सही बात है, फॉरेन सेटलमेंट करने हो तो सीक्रेट रखना चाहिए। सर मेरी बेटी का हमने जैसे बता दिया तो बीच में अड़चने आती गई, जब छुपा लेते हैं तो फिर ठीक हो जाता काम। हाँ जी, ऐसे ही होगा। जी सर, हैंडल का सही है। मेरी बेटी फॉरेन में स्पेन में स्टडी करने गई थी, लास्ट ईयर है, वो वापस आ गई, वहाँ जंग लगी, रिश्तेदार में बहुत हल्ला मचा, ये MBBS कर रही है, नजर लगी वापस ही आ गई। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ये मैंने अपने लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का था MBBS का। ठीक है, म्यूट कर लो अपने। क्लियर है जी? अभी आगे हमारा आ गया, अभी केतु आ गया हमारा। अब देखो अभी लोग तो आ रहे, अभी आ रहे, अभी आ गया केतु हमारा सिक्स हाउस में।
केतु हमारा आ गया सिक्स हाउस में, इसकी डायरेक्शन कहाँ पर जाएंगे? गुरु जी पांच का बताएंगे जरा, दो लाइन फिर से, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। पांच का डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट हो गया था ना पांच का, एक ही लाइन सुना से धोखा देते इसको ना यार दोस्त, धोखा देते हैं। ठीक है, ये ऑपोजिट सेक्स के प्रति अपना सब बातें बतला देता है और वो उसको लूट कर चले जाते हैं। और अगर इसका फॉरेन का कोई सेटलमेंट करना हो, अपने बच्चों को सेट करना हो या कहीं भी अपने आप को सेट करना हो, तो इसको सीक्रेट रखे, नहीं तो आपका काम सारा रुक जाएगा। ये चीज़ है। और इसको बड़े भाई बहन अपनी फैमिली की धोखा देते हैं। ठीक है, बस ठीक है सर, ओके। सॉरी, अभी केतु जिनका सिक्स हाउस में हो, है किसी का केतु सिक्स हाउस में? मेरा है सर। मेरा भी है। चलो, यह आदमी अगर इसको अपना बिजनेस करना है या किसी तरह की नौकरी भी लगनी है, तो अपने किसी पड़ोसी को और अपने किसी रिश्तेदार को मत बताएं। बोलो। हैगा, अगर इसने कोई भी बिजनेस करना हो या नौकरी करनी हो, अपने पड़ोसी दा और रिश्तेदारों को मत बतलाएं। अगर बताओगे तो वो जो आपका बिजनेस है या आपकी नौकरी है वो लगते रह जाएगी और जो बिजनेस है ना वो ठप हो जाएगा। और आपको ना लाइफ में पेट के रोग लगे रहते हैं और आपके जितने भी पॉलिटिक्स संबंध हैं वो आप किसी को मत बताएं। आपके जितने भी पॉलिटिक्स के साथ संबंध हैं वो आप किसी को मत बतलाएं, नहीं तो आपके जो आस पड़ोस वाले हैं ना आपका मिसयूज़ बहुत करेंगे। और एक बात है, और जितने भी आपके भी लोन चल रहे हैं ना आप उनको भी सीक्रेट रखो, जितने भी लोन चल रहे हैं ना आप उनको भी सीक्रेट रखो। है सर ऐसा कुछ? जब आप कोई नया बिजनेस करने लिए लगते हो, कोई काम करने लगते हो, तो आप आस पड़ोस वालों को या अपने रिश्तेदारों को बता देते हो तो काम फेल हो जाता है। ऐसा है किसी का? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ जी राजकुमार जी। जी सर, है सर, ऐसा है सर। मैं तो ऑफिस में हूँ, सर्विस करता हूँ, मगर मैं क्या करने वाला हूँ स्टेप बता दूँ, अगला तो फेल हो जाता है। हाँ, अगला स्टेप फेल हो जाता है। आप बोलोगे आज बहुत सारे वाले हैं, तो आर्थिक हो रहा या बिजनेस करते हो कोई? सर पहले किया था। हाँ तो फेल नहीं हुए आप लाइफ में? नहीं सर, एक साल ही चला वो, मतलब। हाँ तो आपने आस पड़ोस में बताया होगा ना, ये मैं काम करने वाले हूँ, वो काम? नहीं, आस पड़ोस में किसी को नहीं बताया था, रिश्तेदारों को बताया था एक आधे को। तो फिर बात तो वही आ गया ना। मैं अभी अभी बिजनेस एक साल के लिए, तो उसके बाद क्यों नहीं किया? उसके बाद सर मेरा ट्यूशन वर्क था, वो तो काफी अच्छा चला मेरा, काफी साल कोरोना में हुआ है। तो मैडम मैंने बिजनेस की बात करी है, 10th हाउस बिजनेस का है, तो आप जब भी तो बिजनेस ही हुआ ना, ट्यूशन वर्क मेरा बिजनेस ही हुआ सर। चलो ठीक, घर से ही किया ना मैंने। ठीक है मैम, ठीक है। वो तो लोगों को आपको पहले ही पता था ना वो आप कर रहे हो। हाँ जी। हाँ तो वो तो आपको लोगों को पहले ही पता था कर रहे हो, जो आपने। जी जी, वो तो आस पड़ोस में सभी को पता था। हाँ ठीक है ना, जब आप करने वाले थे तो उससे पहले ही पता था ये वो करने। हाँ ठीक है ना, तो तभी फेल हुआ। ठीक, जब आप करते तो सीधा सीक्रेट की दुकान खोल देते तो फिर काम चल पड़ना था। ठीक है ना। ठीक है, इसको आप ऐसे काउंट करोगे, इसको ऐसे नहीं है। ठीक है सर। चलो अभी आगे है हमारा, किसी का सेवंथ हाउस में केतु हो, है किसी का? सर मेरे हस्बैंड का है। ये देखो, किसी का केतु सेवंथ हाउस में हो तो उसकी दृष्टि फिफ्थ दृष्टि इलेवंथ हाउस पर पड़ेगी। जी सर। अगर आप लाइफ में किसी भी तरह का कोई भी साइड बिजनेस करते हो तो आप किसी को मत बतलाओ। अगर आप किसी भी तरह का कोई साइड बिजनेस कर रहे हो तो किसी को मत बताओ। जैसे मान के चलो ऑनलाइन काम कर रहे हो, ऑनलाइन काम जैसे मान के चलो कोई चैनल बना लिया अपने, यूट्यूब वगैरह कोई भी बना लिया, तो उसको भी सीक्रेट रखो अपने यारों दोस्तों के साथ।
अगर आप किसी भी यार दोस्त से पैसे लेते हो ना, तो वो भी सीक्रेट रखो, किसी को मत बतलाओ कि ये मैंने उनसे पैसे उधार लिए हैं तो तभी मैंने काम अपना चलाया है। तो जो आपके जो यार दोस्त है ना, वो आपका मजाक उड़ाएंगे कि इसने मेरे से काम लेकर बिजनेस चलाया, इसने मेरे से काम लेकर बिजनेस चलाया है, ठीक है। तो आप जितना सीक्रेट रखोगे ये आपके लिए बढ़िया है, और आपके मित्र अच्छे होते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। और आपके लिए सिर्फ एक खास हिदायत है कि आप अपने मित्र की बातें ना इधर उधर मत किया करो। अगर आप उनकी बातें इधर उधर करते हो ना, तो फंस बीच में आप जाते हैं, वो दोनों आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, तो आपको बुरा भला कहकर आपको छोड़ देते हैं। ऐसा आप चेक करना, अगर कोई है तो प्लीज बोलिए। सर मेरे हस्बैंड का है, लेकिन वो ऑनलाइन कुछ नहीं करते, बिजनेस करते हैं, और फ्रेंड लोग से मतलब सेटलमेंट में मतलब आपस में कहीं कभी कभी कुछ बात हो जाती है। वो ऐसा ही है मैडम, वो ऐसा ही हो, सेटलमेंट में बात होगी तो नाम इनका ही लग देगा। और ये साइड बिजनेस जब करते हैं ना, वो साइड बिजनेस करें तो किसी को बतलाएं मत, ठीक है ना। लोग अपना सामान लेते रहें, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन ही काम करना, काम कोई भी हो, ठीक है। तो इनको साइड बिजनेस करना चाहिए, अगर ये साइड बिजनेस अपने यार दोस्तों को बता देते हैं वो फेल हो जाएगा। सर बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाते, बार बार चेंज करना पड़ता है। वही तो कह रहा हूँ मैम, वही तो मैं कह रहा हूँ, इनके टांग जो भी है इनके यार दोस्ती खींचेंगे और कोई नहीं खींच पाएगा इनके टांग, ठीक है ना। चलो अभी आगे बढ़े, अभी केतु किसी का 8th हाउस में हो तो उसकी दृष्टि कहाँ पर जाएगी? 12th हाउस। वेरी गुड। ट्वेल्थ हाउस के ऊपर किसी का है? मेरे बेटे का है सर। हमारा है सर। और इनको ना क्या सीक्रेट रखना चाहिए? जितने भी रिश्तेदार आपके विदेश गए हैं उनको आपको सीक्रेट रखना चाहिए। आप किसी को मत बताओ कि आपको पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से डॉलर आ रहे हैं। अगर आपके बच्चे विदेश में सेट हैं ये भी आप ख्याल रखो, किसी को मत बताओ। अगर आपके बच्चे की पीआर लग रही है, लग रही हो या लग गई हो, ये भी आप मत बताओ, वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। और आपको कौन डॉलर भेज रहा है ये भी मत आप सीक्रेट रखो। और ये भी मत बताओ कि आपको अगर कोई मोबाइल भी दे रहा है, कौन दे रहा है, आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, चाहे कोई पेंट दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो आप इसको सीक्रेट रखो कि आज मुझे कहाँ से गिफ्ट मिला, कहाँ से नहीं मिला, ये आप किसी को मत बतलाओ, नहीं तो आपको दोबारा वो सामान नहीं मिलेगा और उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। और आपको ना प्रॉपर्टी में लाभ होगा ही होगा, और आपको ना प्रॉपर्टी में ना लाभ होगा ही होगा, देख लेना जितने मर्जी। और इनको इंश्योरेंस से पैसा भी मिलेगा, मैंने पिछली वीडियो में मैंने कुछ ऐसा बतलाया था, आपको इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा ही मिलेगा। और एक बात है, इनके ना गुप्त संबंध भी होते हैं। इनके क्या गुप्त संबंध भी होते हैं सर? शान इनवती जी आप कहाँ से हो? जी मुंबई से। है किसी का ऐसा, आपका बच्चा कहीं फॉरेन सेटलमेंट हुआ हो या किस तरह कुछ भी हो? सर जी मेरा तो नहीं है, पर मैंने सुना है कि उसमें प्रॉपर्टी में झगड़े भी होते हैं। प्रॉपर्टी में झगड़े होंगे सर, प्रॉपर्टी में झगड़े तो होंगे ही होंगे, आपको देखेगा देखेगा। क्लियर है? अभी आगे बढ़ा जाए। चलो अगर किसी का केतु
नाइन्थ हाउस में हो, उसकी दृष्टि लगन पर पड़ेगी। किसी का केतु नाइन्थ हाउस में? जी मेरा है। जब भी आप अपनी विदेश जाने की बात किसी को बतलाओगे, जब भी आप अपनी विदेश जाने की बात किसी को बताओगे तो वह काम कभी, कहते हैं ना भी, पूर्ण नहीं होगा। क्लियर है? क्या होगा? कई बार तो क्या है, एजेंट आपके पैसे ठग कर चला जाएगा। मैंने देखा अपने लाइफ में। और आपको ना एलर्जी लाइफ में रहती है, स्किन से डिजीज़ आपको लाइफ में रहेंगे। और कभी कभार ना इन लोगों को ना फुलवारी ज़्यादा हो जाती है। फुलवारी समझते हो ना, जो स्किन डिजीज होती है, फुलवारी जो वाइट कलर सा हो जाता है, ये भी हो जाती है। और अपने पिता की आज्ञा का पालन जरूर करें, ये लोग अपने पिता की आज्ञा का पालन जरूर करें। सर जी, पिता ना हो तो बड़े भाई, हाँ बड़े भाई हो गए, बुजुर्ग हो गए, चाचा ताया, तो ताया हो गए जैसे जी, वो भी नहीं है मम्मी जी की, लेकिन आज्ञा पालन करते हैं। ऐसा है कुछ, आप जब भी अगर अभी कभी फॉरेन का बनाते हो, कहीं बाहर जाने का बनाते हो, तो कुछ अड़चनें आ जाती हैं? जी एक ही बार गया था मैं बाहर, गाँव तभी बताया था तो डिले हो गया था उसमें। डिले हो गया था ना, तो आप कभी बाहर जाओ तो मत हो, कभी मत हो, ये आपका सीक्रेट ही है जी। जब आप घर से बाहर जाते हो, अभी आपको कोई पूछ रहा है कहाँ पर चलो, आप उनको गलती बताओ। अगर आपने मान के चलो अभी आप कहाँ से हो, मुंबई से हो, हाँ जी। अगर आपको दिल्ली जाना हो तो आप बताओ कि मुझे राजस्थान जाना है, ठीक है ना। आप गलत बता कर जाओगे तो बढ़िया है, क्योंकि आपका काम हो जाएगा। बराबर, ठीक है सर। ऐसा कभी चेक कर देखना तो आपका काम बन जाएगा। मुझे वो NOC के लिए जाना था, तो एक व्यक्ति को डेली बता के जाता था, दो बार उसको बता के गया, नहीं हुआ, तीसरे दिन दूसरी जगह से चला गया, तुरंत काम हो गया मेरा, उसको बताया ही नहीं मैंने। बस ऐसे करोगे ना आपके लाइफ में कुछ। सर देखो केतु क्या बता रहा है, देखो अभी इंडिकेशन दे रहा है, एक सिंपल सीक्रेट दे रहा है, सिर्फ एक सीक्रेट बातें बताता है केतु भी। केतु इतना सीक्रेट है ना, फिफ्थ हाउस आप सोच भी नहीं सकते, सप्तम दृष्टि में क्या दे रही है, नाइन्थ दृष्टि क्या दे रही है, आप सोचकर आपका माइंड हिल जाएगा कभी जब, ठीक है ना। तो अभी आगे क्या है, अभी किसी का केतु, अभी कौन से घर में थे, नाइन्थ हाउस में थे ना, टेंथ हाउस में हो, उसकी दृष्टि हमारे सेकंड हाउस पर पड़ेगी, तो किसी का है तो प्लीज हैंड रेज कर दें। यस सर, मेरे बेटे का। ओके, यह लोग अपना करैक्टर जितना बढ़िया रखेंगे ना, ये सबसे बढ़िया है इनके लिए। क्या रखते सर? क्या जी? करैक्टर, चरित्र। जितना अपना करैक्टर रखेंगे सबसे बढ़िया है। और इनका बिजनेस भी अच्छा चलता है। आप मान लो जितने बड़े खिलाड़ी होंगे ना, उनका केतु टेंथ हाउस में होगा, आप चेक कर लेना, जितने भी हैं ना उनका केतु टेंथ हाउस में होगा। हाँ जी रीटा सिंह जी, और अपने परिवार के लोगों से अपनी बिजनेस की बातें छिपाएं, अपने परिवार के लोगों से, अपनी वाइफ से भी, अपनी फैमिली से भी, अपनी बिजनेस की बातें जितनी छिपाएगा ना, उतना इसका बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा। इसको लगे कि मेरे को इतना पैसा बन रहा है, वो उसका ख्याल छोड़ दे। क्लियर है? तो कोशिश करो कि उसको बोलो कि अपनी जितनी बिजनेस की बातें हैं ना छिपाए। यह है ना राजनीति में अच्छा होता है। और आपको एक बात बताता हूँ, अगर इसके पिताजी इनको कुछ भी दे रहे हों, या किसी को मत बतलाएं, अपने भाई को, अपनी बहन को ये बातें मत बतलाएं,
इन बातों को सीक्रेट रखोगे तो बढ़िया है, नहीं तो बहन भाई इसे लाइफ में बहुत ख़राब करते हैं और पापा को भी कहते हैं कि आप इनको दे देते हो हमें नहीं देते, ऐसा कुछ अभी किसी का है 10th हाउस में केतु? यस सर, मेरे बेटे का ऐसा कुछ है सर, अभी तो स्ट्रगल ही चल रही है उसकी। नहीं, आपके जब बिजनेस में ना, मतलब जॉब बिजनेस में, अभी आपके हस्बैंड सर ये चीज ध्यान रखेंगे अभी, कभी वो अगर कुछ देते हैं तो फिर उसको बोलूंगी अब। हाँ, बताया ना करे। हाँ, बताया ना करे, आपको भी कुछ देते हैं वो बताए, वो सीक्रेट रखे तो बढ़िया है, तो फिर उसका काम। अभी तो भाई बहन में ठीक है, बाद में हो सकता, अभी तो ठीक है। सर एक क्वेश्चन सर, 10th पहले कोर्स के बार बार नौकरी में चेंजिंग और बिजनेस में चेंजिंग आती है मेरे बहन के बेटे का, लेकिन वो सेटल नहीं हो पा रहा अभी तक। तो मैम वो मैम अपनी फैमिली को सारे बात बताकर काम करता है ना, वो सीधा अपने माइंड में जो काम आ जाए मैं ये करना है वो कर ले, वो काम सेट हो जाएगा। हाँ, मम्मी को पूछ के सारा बता के करता है। यही तो बात है। पूनम सुंजन वाला जी, आप कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ। तो क्या पहली बार आए हो? मेरे को लग रहा है मैं बहुत बार अटेंड की हूँ। सवाल आज पूछे हैं, चलो कोई बात नहीं। अभी सब प्रोफेशन के रिलेटेड उसको हमेशा सीक्रेट रखना अपना ना। बिल्कुल, प्रोफेशन के रिलेटेड जो फैमिली का बिजनेस है, अगर फैमिली का बिजनेस भी करता है ना उसको भी सीक्रेट रखे। ओके। हाँ, उसको भी सीक्रेट। अभी किसी का केतु, हम कौन से हाउस में थे? हम 10th में थे ना सर, 11th में। अभी 11th में किसी का केतु 11th हाउस में हो, किसी का हो सर? मेरा ही है जी, मेरे भाई का है। ओके। सर मेरा ही है। बाकी लोग क्या, बाकी लोगों में किसी का कहीं पर नहीं बैठा केतु के? इनकी कुंडली में केतु नहीं है जो बाकी बैठे हैं, मैं पूछना चाहूंगा। बाकी सबका हो चुका है सर, नहीं, 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 सर मेरे बेटे का है। मैं समझ गया सर, पहले ना मैं थोड़ा सा एक बात करता हूँ, एक सेकंड। जो बाकी लोग कस्टमर बैठे हैं, मेरे मित्र बैठे हैं, उनका केतु कहीं नहीं बैठा, क्योंकि उनकी उंगली में केतु है ही नहीं सर। देख रहे हैं तो दीप मकर कक्कर जी, आपका केतु भी नहीं है कहीं, हो गए नहीं सर। मेरा केतु हमारा 8 नंबर है सर जी, 11 पे वाइफ का है सर। आपका केतु नहीं आपकी कुंडली में? 8 पे है सर जी। अच्छा, 10th पे है सर, सर 7th में सर। मेरा 7th में था। मैंने जब बोला तब क्यों नहीं आवाज दी आपने? मुझे ये बात तो ये आवाज दी थी सर जी, बताया था। ठीक है, और जो रीटा सर, मेरा नियम नहीं है फर्स्ट हाउस सर। पहले मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, पहले मेरी बात को म्यूट कर लो। सुनीता जी, मोहन जी बार बार म्यूट कर लो, म्यूट कर लो मोहन जी, मेरा कहने का मतलब तात्पर्य म्यूट कर लो मोहन जी, म्यूट कर लो। मेरा कहने का मतलब जब मैं पूछता हूँ तब नहीं बोलते। अब मैंने पूछा, मैंने कहा जब बाकी लोग बैठे उनका केतु कहीं हो ही ना कुंडली में, तो फायदा ही हो गया। अभी सभी के बाहर आ गए, रीटा वर्मा जी का बाहर आ गया, मोहन जी का बाहर आ गया, सुनीता जी का बाहर आ गया। मैंने कहा शायद इनकी कुंडली में केतु कभी हो ही ना, तो फिर तो जिंदगी बढ़िया सेट है इनकी। शायद मेरी कुंडली में बैठा हूँ, जो बोले उनकी कुंडली में ही होगा। नहीं सर, सेट का है फर्स्ट हाउस में। चलो, अब सभी के केतु बाहर आ गया, अभी राहु भी बाहर आ जाएगा 2 मिनट में। ऐसा नहीं है, प्लीज आप इतनी फ्री सर्विस दे रहा हूँ, आप लीजिए। आपके साथ मुझे भी हौसला मिलता है दोबारा काम करने का, कुछ नई चीज़ लाने का मौका मिलता है। ठीक है ना, ऐसा मत किया करो। चलो, अभी किसी का केतु 11th हाउस में हो, लिखवा, उसकी दृष्टि पड़ेगी हमारे 1, 2, 3, 4 तीसरे भाव पर, थर्ड हाउस पर। थर्ड हाउस यह है ना, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है केतु यहाँ पर। उन्हें आमदनी की कोई टेंशन नहीं रहती, उनके पास पैसा कहीं ना कहीं से आता ही रहता है। और इनके लिए सिर्फ एक सीक्रेट बात, सिर्फ एक ही बात है,
इनको ना मैं सिर्फ एक ही बात बताता हूँ, ये लोग ना अपने ना घर के ऊपर बहुत पैसा लगाते हैं। जिनका केतु 11th हाउस में होगा ना, ये अपना पैसा है ना अपने घर के ऊपर बहुत लगाते हैं। और एक बात बताता हूँ, इन लोगों का ना अपना मकान दिखाने का बड़ा शौक होता है। इनके पास कोई आ गया ना, इनको बोलेंगे चलो आप अंदर से मकान दिखा कर लाएं। ये अपनी फैमिली को ना अंदर से मकान चला कर दूर दिखाएंगे, ये हमारा टॉयलेट है, ये हमने जैगवार की टाइल लगवाई है, ये हमने शेक यहाँ से लगवाया है, ये लगाया है, ये लगाया है, ऐसा इनको लाइफ में लगा ही रहेगा, देख लेना। और ये मकान के ऊपर पैसा लगाते हैं, और इनको यही सीक्रेट है कि इनको जब भी किसी को मकान बनाएं बस वैसे वैसे आगे आगे निकाल लें और गैस सीधी कहें और छोड़ दें उनको, उनको कभी ना अपना सारा मकान घुमा घुमा कर दिखाएं, ठीक है ना। अगर ये मकान दिखाएंगे इनके मकान को नज़र लग जाएगी और ये उनका मकान धीरे 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 बिक जाएगा। और एक बात बता रहा हूँ, बड़े आराम से और ध्यान से सुनना, अगर इनको अपनी प्रॉपर्टी बनानी है ना, अंदर से एकदम बढ़िया फुल फ्रिशर करो, बाहर से लोगों को ऐसा लगे कि जैसे ये गंदा मंदा सा मकान बना हुआ है, तो अंदर आप चाहे सोने के चम्मच के साथ रोटी खा लो, तो बाहर आपको ऐसा ही बनाना चाहिए। ये आपके लिए सीक्रेट है। और अपने यारों दोस्तों की बातें ना आप भी इधर उधर मत करो, नहीं तो आप फंस जाओगे बीच में। तो है किसी का देख बताओ, प्रदीप कक्कड़ जी आप बता रहे ना, बताते हैं सबको, हाँ सभी को जो आते हैं घर पे उनको घुमा घुमा के बताते हैं, बोलते ये है ऐसा है वैसा है, मतलब खैर अभी तो नया घर है तो बता रहे, लेकिन सही है, सही बात है। सर मेरा है, सर मैं तो नहीं दिखाते हूँ, बट मेरा ब्रदर ऐसे करता, वो तो एक टूटी भी लगाएगा, वो भी दिखाएगा जाके कि ये देखो मैंने ये किया वो किया सारा कुछ करता, और मेरे को अब लग रहा है कि उसका भी केतु 11th में होगा। गुरु जी मेरे भाई का है, वो घर में पैसा बहुत लगाता है, ये बात सच्च है। दूसरी बात मुझे ये पूछना है, तीसरे भाव पे दृष्टि पड़ती है तो छोटे भाइयों का बात सीक्रेट रखना चाहिए क्या उनको? सर छोटा भाई ही करता है, छोटे भाई बहन दोनों ही ऐसे करते हैं। बड़े भाई की बात सीक्रेट रखनी चाहिए, छोटे की नहीं, बड़े की, छोटे की नहीं बड़े भाई की बात सीक्रेट रखनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत केस में, मैंने ऐसा देखा है वो अपना घर घुमा घुमा के दिखाएंगे, उनको बाहर से कुछ नहीं करें और अंदर से एकदम बढ़िया, देख लेने का घर बहुत बढ़िया हो। चलो हाँ जी राजकुमार गलो जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सर जैसे वास्तु एक्सपर्ट को बुलाना तो दिखाना पड़ेगा, जैसे आपको बुलाना है तो क्या हेलो हाँ सर जी, आज मेरी पहली क्लास है आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू। आप कहाँ से सर? मैं मुंबई से हूँ सर जी, आपके वीडियोस देखते रहता हूँ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया। आप मतलब जो भी पढ़ाते हो सर जी दिल से पढ़ा लेते, एकदम पढ़ाते हो, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ छुपा के रखना है। सब छुपा कर करेंगे भी क्या, अब अगर ज्ञान ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है। नहीं आप हाँ। मैं इतने सारे वीडियो देखता हूँ, इतने साल से जुड़ा भी हूँ अकलपुर से, कई क्लास कर भी चुका हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपसे मिलने के बाद में ऐसा लगता है कि कोई अपना ही भाई बैठा है वहाँ पर, ऐसा नहीं लगता है कि कोई सर है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, घर के सदस्य हो वैसा, नहीं नहीं वैसे घर के सदस्य हो वैसी फीलिंग आती है आपके साथ में बैठने के बाद। आज जो भी सिखाया गुरु जी ने कहीं पे नहीं सुना अभी तक। नहीं नहीं सही बात है, सही बात, हर बार कुछ नया टॉपिक होता है कुछ हटके। पिछले एक साल से मैं सर्विस दे रहा हूँ, वो भी लाइव दे रहा हूँ, कभी मैंने कभी वीडियोस बना कर नहीं, मैंने कमेंट भी खोल कर रखे हैं, जिसको जो अच्छा लगता है अच्छा बोल दे, जो किसको गलत लगता है, अभी भगवान की कृपा इतने एक साल से कभी किसी ने गलत कमेंट नहीं डाला, परमात्मा की इतनी कृपा रही है, पर किसी को गलत बात मैंने बताई भी नहीं। और मैं कमा किसके लिए रहा हूँ, अभी कमा मेरा केतु 5th हाउस में है, अभी चेक करो केतु जिसके साथ में होगा ना, केतु जिस भी ग्रह के साथ होगा आप उस ग्रह को छोड़ दो,
अगर केतु शुक्र ग्रह के साथ हो गया तो समझ लो आपको पैसों के लिए भागना छोड़ दो। है किसी का शुक्र के साथ केतु? सर मेरे हस्बैंड का है। हाँ, वो सर मेरा भी अगर सिक्स्थ हाउस में है। सर सात में नहीं है पर पहले भाव में शुक्र नवम में केतु है तो वो दृष्टि काम करेगी ना होता है। अच्छा अगर वो जितना भागने से मिलता ही नहीं कुछ। हाँ, अगर जितना भी वो पैसों के पीछे भागेंगे ना उन्हें पैसा नहीं मिलेगा लाइफ में। देख लेना मैं पिछले 40 साल से पैसों के पीछे भागता रहा 37-38 साल से पैसों के। मैं एक दिन मैंने कहा यार कुछ नहीं करना पैसे छोड़ दिए। एक दो बार मैंने पैसों के पीछे भागना छोड़ दिया। अब मैं पैसों के पीछे नहीं भागता पैसा मेरे पीछे आता है। सर किसी चीज़ का त्याग भी करना पड़ता है किसी चीज़ का प्रदीप जी त्याग भी करना पड़ता है। ठीक है जी सर जी। पर राजकुमार सर बुद्ध के साथ सर बुद्ध के साथ क्या छोड़े? बुद्ध से के साथ बहन को देखो ना मैम सिस्टर जी अपनी वाणी पर कंट्रोल। ओके ठीक है ना। आप बिजनेस की टेंशन लेनी छोड़ दो बिजनेस अपने चल पड़े। क्लियर है जी बिजनेस की बहुत टेंशन लेते हैं मेरे हस्बैंड। तो लेते हैं ना उनको छोड़ दो अपने चल दे पेगा। ठीक है आप पे चल दो अपने चल पड़ेगा देख लेना। आप देख लेंगे पर ट्राई कर एक महीना ट्राई कर। ठीक है जी। हेलो कुमार गुलो जी कुछ ना कुछ बोल रहे थे आप। हेलो गुलो जी सर मैं तो वो बोल रहा था कि वो 11वां केतु मेरे बेटे का है तो जैसे आपको बुलाना है कभी बनाएंगे बताया अभी बनाया नहीं है तो हम तो आपको बुलाएंगे तो पूरा घर दिखाना पड़ेगा। नहीं नहीं वो तो घर दिखाना पड़ेगा ऐसे थोड़ी मेरे को टैप दिखाओ तो मुझे टैप से क्या लेना देना। जी जी सर हेलो नहीं मैं नक्शा आपसे ही बनवाऊंगा सर नक्शा आपसे मेरे पास करवाऊंगा। एक बात और कहना चाहता हूँ सर सबने आज तक ये पढ़ा है कहीं भी पढ़ा हमने कहीं भी सुना केतु यहाँ बेटा राहु यहाँ बेटा है इसका ये पल पहली बार सुन रहे हैं कि पांचवी दृष्टि से आप खरीद कर रहे हैं पहली बार से। अगली बार मैंने अभी पिछली क्लास भी बहुत बढ़िया की। हाँ जी प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं आप इसका कंटिन्यू कीजिए अभी 12वां भाव वाक्य बाद में मैं दो क्वेश्चन में पूछता हूँ बाद में शांति से। कोई बात आप खत्म कर लीजिए पहले। अभी अभी केतु किसी का 12th हाउस में हो सर मेरे बेटे का है। सर मेरी बेटी का। ओके इनकी दृष्टि पड़ेगी कौन से घर पर पड़ेगी? फोर्थ हाउस। वेरी गुड अब बताओ यह लोग जब भी मकान बनाए ना पर पहली बात इनके पांव पर चोट लगी होगी या इनका पांव लाइफ में एक बार टूटता ही टूटता है तो यह शुभ है उनको बुरा मत समझो। इनका लाइफ में एक बार पांव टूटता ही और पैर पर चोट लगती रहती है अक्सर। और जब भी आप तरक्की करने लग जाते हो जब भी आप कहीं भी अपना मकान बनाओ ठीक है ना सिर्फ अपनी पत्नी या अपने हस्बैंड के साथ डिसाइड करो कि वो मकान बनाना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए। प्लीज किसी के गाने चल रहे हैं प्रदीप जी म्यूट कर लो। अगर जब भी आपने लाइफ में बाइक लेनी है गाड़ी लेनी है तो किसी की सलाह मत लो सिवाय अपनी वाइफ की अपनी फैमिली की सलाह भी मत लो। सीधा जाओ साई दो कार लानी है कार लाओ गाड़ी लानी है गाड़ी लाओ बाइक लाना है बाइक लाओ किसी की सलाह मत लो। ये लोग जितनी सलाहें लेंगे ये कभी कुछ में लाइफ में नहीं कर पाएंगे। ऐसा ना हो नेट पर जाकर देख रहे हैं इसकी एवरेज क्या है ये लाइफ में कभी कुछ भी नहीं ले पाएंगे। देख लेना इनके कारण बहुत से सौदे इनके ये कैंसिल हो चुके होंगे आप चेक कर लेना बहुत से सौदे इनके ये कैंसिल हो चुके होंगे अगर ये जितनी सलाहों में पढ़ते हैं ऐसा होगा इनके साथ।
और एक बात ये है, और इनको जितनी पैतृक संपत्ति मिलेगी ये उतने ऊपर होते जाएंगे, इनको जितनी पैतृक संपत्ति मिलेगी ये उतने ऊपर होते जाएंगे। और ये लोग ना कभी कभार ना फॉरेन में भी सेट हो जाते हैं, और अपनी लाइफ में ये आदमी ना मकान बहुत बदलते हैं, देख लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये लाइफ में अपने मकान बदलते रहेंगे। तो जब भी आपने कभी मकान बदलना हो, लेना हो, किसी के साथ सलाह मत करें, सिर्फ साई दें, पैसे दें और मकान ले लें। अगर जितने लोगों से आप ज़्यादा सलाह मशवरा करोगे तो आप को ये मकान सूटेबल नहीं बैठेगा। तो अभी देख लो, अभी चेक कर लो किसी का हो तो, अगर कोई अर्निंग है मेंबर हो तो। सर मेरा कजन ब्रदर है, पैर में चोट लगती रहती है, एक हिप रिप्लेसमेंट भी हो गया, 45 साल का है, जीवन में कम से कम 25 मकान बदल चुका। मकानों को सेट नहीं होने देगा केतु। अभी और यही सब बताता हूँ, अभी आपको एक बार बताता हूँ उनके लिए, वो कुछ ना करें, जब भी किसी से मकान लेना हो ना सीधा जाए मकान ले लें बस। जी जी बता दूंगा सर। हाँ वही सेट होगी। अभी और किसी का 12th हाउस में केतु, अभी बताइए। सर बेटर है, लेकिन एक तो वो 10th में है, लेकिन उसको पैर में लगती रहती है, चोट लगती रहती है। ठीक है मैम, अभी जो अर्ली मेंबर हो जाएगा ना वो ऐसा ही मकान बदलते रहे, ठीक है ना। सर बस मेरे बेटे का ये है कि वो सलाह बहुत करता है, बाकी कुछ भी उससे मैच नहीं कर रहा। अभी हम सलाह तो वही करता है ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ, बस सलाह ही बहुत करता है वो, तो तभी तो ले नहीं ना पाता मैम। हाँ अगर वो कार भी लेगा तो नेट पर देगा इसकी एवरेज कितनी है, ये क्या है, देगा तो है ही नहीं। तो ठीक कह रहे हैं, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। सर ये सलाह सिर्फ मकान में नहीं लेनी है, किसी भी चीज में ना ले, किसी भी चीज में मत लो, फिर वो फुलफिल हो जाएगी। ये आपका है, आपका है सर? बेटी का है। अच्छा वो आप वो जब स्कूटी लेनी थी, एक्टिवा थी लेनी थी, जब कुछ लेना था तो ऐसे भी सलाह कर रही थी आप? नहीं सर, जैसे मोबाइल वगैरह कुछ लेना होता है तो वो पूछती नहीं है, ऐसे सलाह नहीं करती है। तो बढ़िया है, नहीं करती है, जो हाँ, ले लेती है वो, ले लो, वो मिल भी जाएगा। अगर वो ज्यादा सलाह रहेगी तो वो कंफ्यूज होकर लेगी भी नहीं, देख लेना आप। हाँ, 100% सही। मेरी बेटी फ्लैट लेने जाती है, उसके हस्बैंड परिवार में सबको बता देते, फ्रेंड सर्कल को, वो फिर ले ही नहीं पाते, वापस लौट के आ जाते हैं। फ्लैट लेने के लिए जब जाती है तो वो सब को उसके हस्बैंड बता देते, वो फिर ले ही नहीं पाती है। ऐसा ही है कुछ। चलो बढ़िया, चलो अभी टाइम काफी हो चुका है, क्लास काफी लंबी चलेगी। मेरा एक टॉपिक आज फिर रह गया, जो पिछली बार भी रह गया, फिर एक टॉपिक रह गया। आज मेरा सेकंड टॉपिक था राहु को लेकर, राहु की 5th दृष्टि क्या कहती है। सर नेक्स्ट टाइम करवा दें, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम करवा दूंगा, कोई बात नहीं। अभी मेरी भी क्लासेस चलने वाली हैं, अभी आगे मेरी संडे भी क्लासेस हैं, तो प्लीज़ और किसी को भी क्वेश्चन है वो तो प्लीज़ बताएं, मैं बता देता हूँ। और एक बात ये है, मेरी ऐप बन चुकी है विमान वास्तु पाठशाला के ऊपर, जहाँ पर आपको लिंक आया है वहाँ पर आप उसे इंस्टॉल कर लें। पहले आप उसमें आप रजिस्टर करें, अपना मोबाइल नंबर बने, OTP आएगा, और उसके बाद आपको ये सारी वीडियो मैं वहीं पर लाइव हुआ करूँगा। 1 से 2 हफ्ते में यहाँ पर होऊंगा, और उसके बाद मेरी लाइव वीडियो सभी वहीं पर मिलेगी। ठीक है जी, तो जिनको लगे आप इंस्टॉल कर लें। हाँ जी सर, मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ सर, उसमें ऐप डाउनलोड कर लिया, मैं जा रहा हूँ तो 2 ऑप्शन है, पेरेंट और स्टूडेंट। आप तो मुझे, आप स्टूडेंट में जाए पहले। जी जी, स्टूडेंट में जाएं और उसको आउटर लिखा ना नीचे, उसको क्लोज करें, ऊपर मेरे कोर्सेज हैं। जी जी, और ऊपर आउटर नीचे जाएं, आउटर पर जाएं और आउटर पर क्लिक करें। जी सर, कर लिया? हाँ, नहीं अभी वो मैं अभी करता हूँ सर, ये क्लास के बाद कर। ओके, आउटर क्लिक करने के बाद आपने आउटर में जाना है, जो पेड स्टूडेंट है उनको अपने अपने लिंक पता है, आपने आउटर पर जाना है। वेट करो मुझे याद है, आपने आउटर पर जाना है और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरो, सब कुछ भरो, ओटीपी आ जाएगा बस, उसको आप इंस्टॉल कर ऐड कर सकते हो।
जी सर जी, प्रदीप कक्कर जी बोलिए। हेलो, हाँ सर जी, मेरा मेरा अष्टम में केतु है और लगन है मेरा वृषभ लगन है, तो मतलब पढ़ाई लिखाई में थोड़ा दिक्कत बहुत आती है, बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी रास्ता नहीं मिलता। किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो? मैं यही ओपन फील्ड की। क्या आप माइंड में नहीं आ रही? हाँ माइंड में नहीं आ रही, मतलब कभी कभी मतलब के लिए सर चंद्रमा देखो, चंद्रमा कहाँ पर? चंद्रमा पांचवें स्थान पे है, सूर्य बुध और चंद्र साथ में है। आपने लाइफ में कितने काम बदले सही बताओ? मैं बेसिकली काम कम से कम 5 काम कर चुका अभी तक, और वैसे बेसिकली मैं हलवाई का मतलब हलवाई की दुकान है मेरी, लेकिन पिछले समझो 15 साल से मतलब यही फील्ड में हूँ मैं। आपको पता है ना, जिसका चंद्रमा फिफ्थ हाउस में होता है उसको लाइफ में सेटल नहीं होने देता कभी। ये तो करे क्या सर जी, अब साठ के तो हो गए, कुछ तो उम्मीद रख के। नहीं नहीं सर, क्यों नहीं रखेंगे, आप ना विनाष्टक वर्ग में जाओ। ओके, विनाष्टक वर्ग आता है आपको? नहीं सर जी, सुना है, पता है मुझे, लेकिन इतना डीप में नहीं पता, मुझे सीखना है विनाष्टक वर्ग। चलो आप मेरे से अभी बात कर लेना, थोड़ा सा फ्री हूं, कर लेना। ठीक है, शांति से बात कर। बाद में फोन पे बात कर लूंगा सर जी, आप बोले जब। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। विनाष्टक वर्ग से अपनी लाइफ सेट कर सकते हो कोई okay. भी आप अष्ट वर्ग से भी अपनी लाइफ सेट कर सकते हो, विनाष्टक वर्ग से भी कर सकते हो। okay. इतनी इतनी बढ़िया टेक्निक्स है ना, जिससे मर्जी आप अपनी लाइफ को सेट कर लो, ये आपके ऊपर okay. निर्भर है। आप एक okay. मैंने बतलाया था पिछले नवतारा में, आपको पता लगेगा वो चीज क्या है। और दूसरी तरफ मैंने बतलाया था, पीछे मैंने क्लासेस लगाई थी एनिमल बर्ड वगैरह की, वो सारी चीज। जी। हाँ जी, मैं आपका कोर्स ज्वाइन करने वाला था, लेकिन करीब ज्यादा नहीं तो भी 8 दिन हो गए, मेरी माँ का देहांत हो गया तो मैं नहीं कर पाया। आपका करने वाला था कोर्स, मैं देखा था। सॉरी, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, फिर भी ज्वाइन कर लो, कोई बात नहीं। पक्का और एक वास्तु से रिलेटेड पूछूं सर जी क्वेश्चन? पूछो। ये देखिए, मेरे घर का ही है, मैं अभी नए घर पे आया हूँ करीब 10 महीने से, अभी एज पर वास्तु मेरे से जितना हो सके उतना मैंने किया हो, लेकिन ये पीछे जो कलर दिख रहा है आपको, ग्रे कलर है पूरा। हाँ जी। तो ये मुझे कहीं तो भी ऐसा लगता है कि कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब घर पे आने के बाद में मतलब फैमिली लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। फैमिली लाइफ नो, अभी देखो ना 8, 9, 10, 11, 12, 1, अभी 6 हाउस में नंबर राशि राहु और गुरु बैठे हैं ना सर। मैं हाँ तो उसको वो अलग होने दो, बस ठीक हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये कैसा है कि मुझे, मैं जनरली बोलेगा तो ये मेरा वेस्ट का जोन थोड़ा आता है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आता है, नॉर्थ वेस्ट आता है, तो वहाँ पर आपने अगर आप साउथ वेस्ट को आप कवर कर लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। साउथ वेस्ट सर कवर है, लेकिन एक विंडो है वहाँ पर 4 फुट की, वो हमेशा बंद रखने की कोशिश करता हूँ मैं। रात को दबाव पड़ता है सोते समय वाइफ को या आपको? नहीं सर जी, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में ऐसा लगता है कि कहीं तो भी थोड़ा वाइफ का जो नेचर है वो थोड़ा चेंज हो गया है। इसके लिए मैं भी कलर चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ अभी थोड़ा सर कलर चेंज मत करो, आप ना अष्ट वर्ग पर जाओ। ओके, ना वो आप देख लो, जिसमें पॉइंट ज्यादा हो तो आप अपनी वाइफ की फोटो वहां पर लगा दो, बात खत्म। ओके, मतलब मेरी कुंडली से मेरा अष्टकोण देखो? नहीं, आप वाइफ का देखोगे ना, प्रॉब्लम उसको आप मानोगे। आपको सारे घर एक मिनट सर, आपको एक और बात बताता हूँ, आपको अपना सारा घर हिलाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना सारा घर हिलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप आपके घर का वास्तु रिसेट हो रहा। आप अपनी कुंडली निकालो अष्ट वर्ग पर, जहाँ से आपके पॉइंट ज्यादा हैं तो आप वहाँ पर अपनी फोटो लगा दो, आपका काम तब भी बन जाना। ओके सर जी, थैंक यू। रीटा वर्मा जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हो सर? जैसे मून आपने बताया फिफ्थ हाउस का, उसका कोई उपाय नहीं है? तो वास्तु वाले को 5-4 हजार रुपए दे दो, उपाय हो जाएगा। सर मेरा भी फिफ्थ हाउस में ही है मून। मेरा भी फिफ्थ हाउस में है सर, फिर बताओ ना।
आप रूटीन में रेमेडी करते होंगे ना सर जी, हमको तो पता नहीं है मतलब ज्यादा। मैं रेमेडीज नहीं करता, ये देखो मैंने मून को सेकंड हाउस में बिठा लिया, ये देखो मेरा टैटू बना हुआ है ना, यही तो मेरी टैटू एक्टिवेशन की टेक्निक है जो मैं लोगों को सिखाता हूँ। सर एक्सक्यूज मी, मेरा रजिस्टर नंबर ही नहीं हो रहा है, मैंने ओपन कर लिया आपके वो ऐप पर, वो रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं ले रहा है। डू नॉट हैव एनी अकाउंट रजिस्टर। मैम आप रजिस्टर बटन पर दबाओ, मोबाइल नंबर भरो, सारा कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जिसका नहीं आया मुझे बता देना। अब हम बातें कर रहे हैं मैडम सुषमा जी, अभी आप क्या बातें करें, चलो अभी लाइट टूट गई है बात करने की, चलो कोई बात नहीं। सर एक ऑब्जर्वेशन बताएं हम आपको। सर हमारे ना मतलब कुछ अप्स एंड डाउन्स काफी रहे, तो मेरे मम्मा तो है नहीं, तो मैं पापा के साथ हमारी हुई, क्योंकि वो लॉयर भी हैं, तो फिर उनसे मैंने बहुत बार ये नोटिस किया कि जैसे आज आपने केतु पढ़ाया, जो बात उनको बता दो ना सर वो होते होते रह जाती है, बट मेरा तो फिफ्थ में है। अब पता नहीं ये सच में सर आज मैंने ये नोट मतलब किया, लेकिन मेरा जैसे फोर्थ में है केतु, तो एट्थ में आ रही है फिफ्थ दृष्टि, बट मैंने अपने फादर्स को ना मतलब आउट ऑफ मतलब उनको ऐसे रहता है, एक एज फैक्टर है कि हम बात कर लेते हैं, कि उनको चलो कंसोलेशन दे दे कि हाँ चलो अब ठीक है, या कोई कोर्ट सेटलमेंट होती है ना, हम कहते हैं होने वाली है सेटलमेंट, ये बात हो गई है और इससे ये गो थ्रू हो जाएगा, बट वो होता नहीं है सर। फिर पता नहीं वो अगला मुकर जाता है या कोई मतलब पेमेंट इश्यू आ जाता है, कुछ भी। आज के बाद पापा को बताना। हाँ सर ये तो आप सोचते हैं, बट वो ना भाई इतने परेशान होते हैं कई बार, तो फिर उनको ऐसा लगता है कि चलो कंसोलेशन के लिए बेटा कुछ तो बताओ, कुछ तो अच्छा हो, कुछ तो अच्छा हो रहा है, वो उसमें निकल जाता है सर मुझसे कि चलो अब ये चीजें सॉर्ट आउट हो रही है, पर वो होती नहीं फिर लास्ट मिनट में। केतु एक बहुत रहस्यमय प्लैनेट है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप मेरे कभी ऑफिस में आओगे, मेरे घर में आओगे, मेरे पास एक बुक्स भी नहीं पड़ी। मुझे परमात्मा, मैं ना पिछले 10-12 सालों से सोया नहीं, बस परमात्मा मुझे ज्ञान दिया गया, मैंने अपने माइंड में रखा हुआ है। कभी मेरे ऑफिस में आ जाना, मेरे घर में भी देखना, एक भी किताब आपको ज्योतिष की या वास्तु की मिल भी गई ना, जो आप कहोगे। सर आपको कॉल कब कर सकते हैं ये बता दीजिए एक बार। जब मर्जी कर लो, कोई बात नहीं सर, आपके क्लासेस होती है। चलो कोई बात नहीं, क्लासेस का मैडम मैसेज छोड़ दो, बात तो रिप्लाई तो देंगे ना, ऐसे तो बात नहीं। ठीक है सर, तो स्टाफ ठीक है, रिप्लाई देगा। तो चलो आप सभी को ओके, ओमवीर सिंह जी शुक्रिया, नमस्कार सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।